नौकरी पे जाकर आंदोलन तो जारी रह सकता है, उसमें क्या दिक्कत है जी? और दर्शन और जो भी वो कहेगी हम उसका काम करेंगे। तो नौकरी पे जाकर आंदोलन तो जारी रह सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? नौकरी भी करते रहेंगे और अपनी बात भी कहते रहेंगे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकैत साहब, जो पहलवानों का ये कहना कि वो अब नौकरी पर दोबारा जाएंगे लेकिन आंदोलन जारी ही रहेगा, इस पर आपका क्या सोचना है? तो नौकरी पे जाकर आंदोलन तो जारी रह सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? नौकरी भी करते रहेंगे और अपनी बात भी कहते रहेंगे। तो अब जैसे नौकरी पे जाकर बात करना कोई अपराध थोड़ा है? सही को सही कहना कोई अपराध थोड़ा है जी? हाँ, तो 9 जून तक का जो अल्टीमेटम है आप लोगों का, उसमें अगर बातचीत अगर आप बता सके कहाँ तक पहुंची है और किस तरह से किस हिसाब से जारी है? 9 जून तक का ये कहा था जी कि सरकार बातचीत करे, तो सरकार ने बातचीत शुरू करी है। पहलवानों ने बात करी उनसे, उनकी आपस में बैठ के होम मिनिस्टर की इनकी बात हुई। यही तो था ना कि 9 जून तक बात करे, नहीं तो इनको लेकर हम धरने पर जाएंगे जी। तो इनकी बातचीत शुरू हुई है। ये बातचीत का ही वो है कि इनको कहा होगा भाई आप नौकरी पर जाओ जी, और इस मामले को भी देख रहे हैं। इन्होंने जब ये कहा कि कोई बड़े आंदोलन की कोल मत दो, हम जब कहेंगे तो जब खास लोग और सब लोग जब हमारा साथ दो जी, क्योंकि हम है जो खेल कमेटी है उसके साथ में जी, और दर्शन और जो भी वो कहेगी हम उसका काम करेंगे जी। ये तो जो अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई है पहलवानों की, क्या वो आप लोगों की ओर से बातचीत के जरिए हुई है या खुद पहलवानों ने पहल की या उन्होंने बुलाया, इसकी क्या जानकारी आपको? नहीं, वो तो जानकारी ये है कि उनके तो मैसेज आए थे ना कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा, पहले मैसेज आपके पास आया था? यही हमने उनको कहा कि सरकार का मैसेज आया था जी, और वो बातचीत अपनी शुरू करें जी, और अगर बातचीत नहीं करते जी तो हम 9 तारीख को वहाँ पे जाएंगे, तो इसी के उससे इन्होंने बात करी है जी। तो बातचीत में तो कोई अभी तक समाधान वाली पोजीशन पे तो पहुँचे नहीं है, तो 9 जून का फिर क्या रहेगा? नहीं, 9 जून का तो अभी स्थगित कर दिया ना, क्योंकि इन्होंने ये कहा जी सभी को बड़े आंदोलन की कॉल नहीं देनी जी, ये उन्होंने कहा है जी। तो जो भी वो जो कल भी मीटिंग थी उसमें भी यही कहा, और जो अपने वाली भी थी उसमें भी यही बात हुई जी। हाँ, तो फिर अभी जो आगे जो पंचायत होगी, जो पहलवान जो पंचायत रखेंगे, जो पंचायत करेंगे, ये मूवमेंट कहाँ तक चला, क्या हो गया जी, जो भी ये बताऊंगा उस आधार पर फिर काम होंगे जी। तो फिलहाल 9 तारीख वाला जो आपने कहा था कि जंतर मंतर पर जाएंगे, वो स्थगित हो गया है स्थगित करा जा रहा है जी। अच्छा, जैसे आपने कहा था, एक बयान आया था नरेश टिकैत साहब का कि चाहते हैं कि मामले में समझौता हो जाए, कोई रास्ता निकल जाए, तो आपकी पहल कहाँ तक पहुँची है? नहीं, हमारा कोई समझौता का वो नहीं है, उनका भी तो यही था ना कि सरकार बात करे जी। नहीं, अभी तो बातचीत से तो मामला निपटेगा ना, ये अपनी बात कहेंगे, वे अपनी बात कहेंगे, और आंदोलन चलेगा जनता के साथ में जी। तो जैसे बात हुई है अमित शाह के साथ, तो पहलवानों का कहना है कि सामान्य बातचीत थी, इसमें कोई ठोस उनको कोई आश्वासन मिला नहीं कि इस तारीख तक इस तरह की चीज हो जाएगी, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाएगी। होगी तो अपना आंदोलन शुरू करें, फिर बताओ क्या हुई बात जी। आप उनको बताना है कि क्या करना कैसे करना, क्योंकि इस आंदोलन को हम उनके साथ में है जी, और पूरा देश देख रहा है ना। एक पहलवान ही कब तक लड़ाई लड़ लेंगे, ये तो पूरे देश की लड़ाई है, वे तिरंगे की बेटियां हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही, 2 महीने इन्होंने आंदोलन चला लिया जी। और अभी भी आंदोलन चलाएंगे, पूरा देश में एक ये वैचारिक क्रांति है जी भाई। गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है और सब लोग इनके साथ में जी। और अभी कल भी परसों भी पंचायत है राजस्थान में, हमारी 11 तारीख की भी है, उसमें और इशू भी रहेंगे, तो जैसे डिमांड में और इशू हैं तो ये इशू भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो राजस्थान में भी जैसे चुनाव आने हैं, तो वहाँ पर भी जैसे चुनाव का कोई हमारा संबंध नहीं है ना, हमारी कोई पॉलिटिकल मीटिंग है जी।
हम तो नॉन पॉलिटिकल है, अपनी बात कहेंगे, वे अपना ज्ञापन देंगे। जी अच्छा, जैसे पहलवानों की मीटिंग हुई अमित शाह के साथ, उनके बाद कोई सरकार की ओर से कोई मैसेज आपको आया अभी तक फिलहाल तक? हमारे पास कोई नहीं आया, उनकी बातचीत होगी तो मैसेज उन्हीं के पास, वहाँ हमारा कोई मैसेज नहीं आया। जी वो तो जो आया था हमने सबको बताया, जैसे भाई उनकी तरफ से मैसेज आया कि हम बात करना चाहते हैं, और हमने भी उनको कह दिया कि आप बात कर लो, जिससे भी आपको बात करनी आप बात कर लो। जी तो क्योंकि बात तो चम तो हुए है ना पहलवान, तो वही सही उन्होंने बात करी। जी जो भी बातचीत हुई होगी यही हुए, उनसे पूछ जाएंगे हम क्या क्या बात हुई और अब वे क्या चाहते हैं, हम उनके साथ तो हैं पूरे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, हमें समय देने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।